गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार विनोद मरांडी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विनोद मरांडी प्रतिबंधित नक्सली संगठन RCC के सुप्रीमो भी रह चुके हैं। कभी इस क्षेत्र में आतंक का दूसरा नाम रहे विनोद मरांडी अब लोगों के बीच जन सेवा की भावना से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। हालांकि वोटरों के सामने भी अजीब स्थिति पैदा हो गई है कि कभी जिसके नाम से थर थर कांपते थे, आज वह व्यक्ति उनके दरवाजे पर उनका बेटा और भाई बनकर वोट मांगने की बात कह रहा है। बता दें कि विनोद मरांडी लोगों से लगातार जनसंपर्क कर अपनी पार्टी के नेता एवं पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान विनोद मरांडी ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता बेरोजगारों को रोजगार देने की होगी। और भ्रमण की बात अगर करते हैं कि कहाँ कहाँ किए, तो सुबह से ही 11 गाँव है। आप उठाइए परसोहदा, रघुनाथ खाप, शेरपुर, मनन बिघा, ब्रहिमा, परुहारा, इस तरह से मतलब 11 गांव है। बुधवाचक ये सब 11 गांव है। और एक दिन में हमारी 20 गांव का लक्ष्य है कि 20 गांव का भ्रमण करना हमारा अपना लक्ष्य है, जो हमारे साथ जो चल रहे हैं। गया से मनोज कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live इंडिया।